देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं लोकप्रिय त्योहारों में से एक है सातों आठों का पर्व, या फिर इसे गौरा महेश पूजा भी कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाद्र माह की सप्तमी और अष्टमी को मनाए जाने वाले इस पर्व के पीछे मान्यता है कि सप्तमी को माँ गौरा रूट कर मायके चली आती हैं तथा उन्हें लेने अष्टमी को भगवान महेश आते हैं। बेरीनाग में भी ये त्योहार इस बार सादगी के साथ मनाया गया। गांव के सभी लोग सप्तमी और अष्टमी को माँ गौरा और भगवान महेश की पूजा अर्चना करते हैं। सप्तमी को माँ गौरा और अष्टमी को भगवान महेश की मूर्ति बनाई जाती है। इस मूर्ति में धतूरा, मक्का, तिल, बाजरा और पौधा लगा के उनको सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। सप्तमी की रात को सभी महिलाएं विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जो उत्तरांचल का, हमारे पहाड़ का जो लोक संस्कृति है, ये आठों और सातों इस पर्व पे हमारे क्षेत्र में पहले आठों सातों का कार्यक्रम होता था। वर्तमान समय में नई पीढ़ी इसको भूल चुकी है। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, ताकि और जो आज ये कोरोना का माहौल चल रहा है इसको देखते हुए हम इसको आपस में दूरी बना के एक दूसरे के सहयोग से इसको कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व है, इसको हम लोग पहले तो बड़ी धूमधाम से मनाते आ रही थी, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से हम इसको मना नहीं पा रहे हैं। फिर भी कई घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग झूला चाचरी आदि अपनी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं और बड़ी धूमधाम से उसको मना तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को उजागर और लुप्त होने से बचाने के लिए उसको मना रहे हैं। इस दौरान झोड़ा चाचरी के साथ ही इस पर्व को बेहद हर्षोल्लास तरीके से मनाया जाता है। महिलाएं सातों आठों पूजा में दो दिन का व्रत भी रखती हैं। अष्टमी के दिन सुंदर गीत गाते हुए गौरा को विदा किया जाता है और माँ गौरा भगवान महेश की मूर्ति को स्थानीय मंदिरों में विसर्जित किया जाता है। इस बार कोरोना वायरस के चलते लोगों ने इस त्योहार को घरों पर ही छोटे स्वरूप में मनाया। संवाद 365 के लिए बेरीनाग से प्रदीप महारा की रिपोर्ट।